लोगों की बात मुख्यमंत्री तक भी नहीं पहुंच पाती है, कहीं पर भी नहीं पहुंच पाती। माननीय मुख्यमंत्री के आप 20-25 बार दे चुके हैं आवेदन, कुछ नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आज दूसरा मंगलवार को जनता दरबार लगाया गया, जिसमें संतोष मांझी भी मौजूद रहेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम जो दूर दराज इलाकों से जो अपने फरियादी हैं वो फरियाद लेकर यहाँ पहुँचे हैं। जो संतोष मांझी हैं, अनुसूचित जनजाति समाज कल्याण मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो तमाम मुद्दों को रखकर जो जनता दरबार में लोग पहुँच रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? भाखरा मसौड़ी थाना से। क्या समस्या है? समस्या है कि मेरे पिताजी आज से 10 वर्ष पहले स्क्वायर कर गए हैं, उनका अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आए हैं। किस विभाग का मामला है? SFC का है। SFC हाँ। पहले भी कहीं गए हैं जनता दरबार में? जब पहले नहीं गए थे। कहाँ? आज से कुछ दिन पहले रजक जी के पास, श्याम रजक जी के पास गए थे, उनके दरबार में गए थे। तो उस वक्त बताया गया था कि उस वक्त नियुक्ति के बहाली नहीं, अनुकंपा के आधार पर नहीं, डिपार्टमेंटल केस चल रहा था। तो 2016 में वो केस। आज पहली बार आए हैं मांझी जी? हाँ, मांझी जी के दरबार में पहली बार आए हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए थे? मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नहीं गए हैं। काहे नहीं गए? किसे उसका कोई सपोर्टर नहीं मिला। तो देखिए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जो है कई समस्याएं हैं, फरियादी पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके वजह से मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लोगों की उम्मीद जो है वो थोड़ा कम दिख रहा है। लोग जो है धीरे धीरे जो फरियादी हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम गया जिला से टिकारी मंडल से आए हैं। क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग अनियोजित कार्यपालक सहायक संघ से आए हैं। ठीक है, हम लोग का नियोजन नहीं हो पा रहा है और पिछले बार भी हम लोग मतलब हर एक जनता दरबार में जा रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं, विधायक जी के पास जा रहे हैं, कमेटी के पास जा रहे हैं, यहाँ तक मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गए हमारे साथी लोग। वहाँ भी बोले कि आधा का नियोजन होगा तो आधा का नियोजन क्यों नहीं होगा? कब का मामला है ये? मामला हम लोग 2-3 साल से चल रहा है। 2017-18-19 में पैनल बना था जो जिला स्तरीय पैनल पर नियोजन होता था। डीएम उसको तो बेल्ट्रॉन भवन के द्वारा नियुक्ति करने की बात कही। हाँ, बेल्ट्रॉन भवन का सर, उसमें से हम लोग का क्या है कि 50% 70% ज्वाइनिंग हो चुका था, 30% की फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो सकता था? जब लिस्ट बनेगा तो सभी का इक्वल ना रहना चाहिए, ये चीज़। आप लोग जनता दरबार में भी कुछ लोग दरबार में भी गए हैं, जनता दरबार से उम्मीद खत्म है? जनता दरबार से वहाँ तो मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, आधा कन्वीन हो सकता है, आधा कन्वीन 70% हो चुका, 70% हो चुका, 30% क्यों नहीं हो सकता? वो सामान्य प्रशासन विभाग देख लें, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग की लापरवाही के कारण हम लोग का नियोजन रोके रखा गया। तो संतोष मांझी से कितनी उम्मीद है, पूर्व मुख्यमंत्री से कितना उम्मीद? पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग का बात एक बार फिर से रिमाइंडर मुख्यमंत्री के द्वारा पास चला जाता तो हम लोग को संभावना है कि हो जाना चाहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गए, कई सहयोग कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं, तमाम जगहों पर गए, अब अंततः पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर लोग पहुंच रहे हैं। कहां से आए हैं सर? जी सर, हम सहरसा से। क्या मामला? बीटेट 2017 पास। अच्छा। का मामला है कि बीटेट 2017 में जो अभ्यर्थी पास हुए उन सारे अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि 2012 में जो शिक्षक नियोजन नियमावली बनाई गई उसमें सीटेट वाले को भी भर दिया गया था। उस समय में कारण यह था कि जो रिक्ति थी, कुल रिक्ति से जो शिक्षकों का जो की संख्या थी, ट्रेंड शिक्षकों की संख्या वह बहुत कम थी, इसलिए सीटेट वाले को उसमें जोड़ा गया था। जी, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं 2017 में। अच्छा। और 5 साल के बाद फिर वही हाल हो रहा है कि हम लोग का नियोजन हो नहीं पाएगा सीटेट के कारण से। तो आप कहीं और भी गए थे कोई जनता दरबार? जी नहीं, ये मेरा पहली बार मैं आया हूँ किसी जनता दरबार में, इससे पहले मैं कहीं नहीं गया हूँ। और जहाँ तक हमें लगता है कि हम लोगों की बात मुख्यमंत्री तक भी नहीं पहुँच पाती है, कहीं पर भी नहीं पहुँच पाती। कारण क्या है? ऐसा कारण यह है कि हम लोगों की संख्या बहुत कम है। कितनी संख्या है? मात्र 38,000 हम लोग बीटेट वाले। जी सर, क्या लगता है इस जनता दरबार से लोगों की उम्मीद जगनी चाहिए? निश्चित रूप से यही एक आधार है जनता से निश्चित रूप से जुड़ने का, भी साथ ही साथ अपनी समस्याओं को रखने का। तो देखिए, ये बीटेड वाले हैं लोग हैं और सीटेड के कारण इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। कई सालों से कई लोगों के दरवाजे इन्होंने खटखटाए हैं, कुछ लोग और भी हैं उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए सर?
शिवपुरी अनिसाबाद पटना। क्या मामला? मामला है कि गोली लगे हुए 9 मंथ ऊपर हो गया, अपराधी को गिरफ्तारी नहीं किया गया है और कंटिन्यू वो लोग केस उठाने की धमकी दे रहे हैं, नहीं तो पूरे परिवार की हत्या करने का भी धमकी दे रहे हैं। क्यों गोली लगी? क्या हुआ? जमीन फर्जीवाड़ा कर बेच दिया गया है। और शिवपुरी में नहीं, बेउर में है, पड़ता है बेउर में, बेतौरा गाँव में। मेरे पट्टीदार लोग हैं, परिवार के लोग ही हैं। और तो बेच दिए, जब इसका है कि अंचल का रहला फुलवाड़ी से पड़ता है हम लोगों का, वहाँ से पंजी 2 जो होता है पूरा फाड़ दिया गया है। अब फाड़ के फर्जी तरह से उसका मोटेशन भी कर दिया गया है। जब हमको जानकारी 2015 में लगा इस चीज का कि जमीन फर्जी अगर बेचा जा रहा है, उस समय से हम अभी तक लगातार सभी जगह दौड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 20-25 बार दे चुके हैं आवेदन, कुछ नहीं हुआ। लोक निवारण आवेदन दिए, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ नहीं, बीजेपी के यहाँ नहीं, मंत्री के जनता दरबार में जा चुके हैं, नंबर नहीं आया है, लेकिन धमकी कंटिन्यू मिल रहा है, कभी भी हत्या हो सकता है। अब गोली भी देख सकते हैं, निकला नहीं बॉडी से। अब देखिए गोली का दाग भी है और ऑपरेशन हुआ, निकला भी नहीं अभी तक। ये देखिए गोली का दाग है, गोली लग चुकी है 20 दिसंबर 2020 को लगा है, गोली अभी अंदर ही है मेरा, अंदर ही है। हाँ, धमकी कंटिन्यू मिल रहा है। और सिटी एसपी का निर्देश है, कुर्की जब्ती करने का आदेश भी आ चुका है, उसके बाद भी पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती नहीं किया जा रहा है। गोली लगा 20-12-20 को दिसंबर, काफी दिन हो गया, अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, खुलेआम घूम रहा है। तो कानून अभी तक डॉक्टर नहीं निकला, नहीं निकल पाया। क्या बोला डॉक्टर? निकल नहीं पाया, गोली अंदर फंस चुका है, किडनी को छत्ते में फंसा हुआ है। देखिए इनकी पहले भी गोली लग चुकी है और अभी भी गोली इनके शरीर के अंदर है, और डॉक्टर ने कहा कि अगर गोली निकालेंगे तो इनकी जान की मौत भी हो सकती है। पुलिस के दरवाजे इन्होंने खटखटाए हैं, जमीनी विवाद बताया जा रहा है, इनका पटीदार का मामला है। और कई बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो जनता दरबार में इनका नंबर नहीं आया है। अब पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर, उम्मीद लगाकर कि कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ मिलेगा। दर दर भटक चुके हैं, अब देखना ये होगा कि कितनी समस्या का समाधान होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जा चुके हैं, सहयोग कार्यक्रम में जा चुके हैं, कई दरबार के चक्कर लगा चुके हैं, अंततः अब पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर जनता दरबार में। अब देखना यह होगा कि इनके पास से लोगों का समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 दिन उसके साथ और देखते रहें 10 दिन।